फिर पता चल गया। इस चीज ने खींचा टाइटन पनडुब्बी को टाइटैनिक के मलबे के पास और ठीक उसके आसपास हुआ इम्प्लोजन और पनडुब्बी अंदर ही अंदर चिपक गई और साथ ही चीथड़े उड़ गए अंदर बैठे हुए पत्थरों के। वो चीज कौन सी थी इसे समझने के लिए पहले आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी। क्रोनोलॉजी कि जिस प्रकार से ये जो घटनाक्रम है ये हुआ और इस घटनाक्रम के पीछे जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो निकल कर सामने आ रहा है खुद का खुद ओशन गेट। जी हाँ, अभी वैसे तो जांच चली रही है लेकिन जांच के नतीजे आने से पहले कुछ ऐसे पॉइंटर्स सामने आए, कुछ ऐसे क्लूज सामने आए हैं जो साबित करते हैं कि इसमें गलती कहीं ना कहीं पनडुब्बी की ही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रविवार को यूएस नेवी जो थी उसे कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का साउंड उसने कैप्चर किया था लेकिन वो जानते नहीं थे कि किसका है। ये ठीक उसी वक्त का था जब समझ लीजिए कि टाइटन पनडुब्बी का संपर्क उसकी मदरशिप पोलर प्रिंस से टूट गया था। जहाँ दोस्तों टाइटन पनडुब्बी जिसके अंदर 5 अरबपति सवार थे वो एक मदरशिप के साथ समंदर में चल रही थी। मदरशिप सतह के ऊपर रहती थी, पोलर प्रिंस उस मदरशिप का नाम था और उससे कनेक्टेड जो ये सबमरीन थी ये नीचे उतरी थी टाइटन नाम की मलबा देखने के लिए, टाइटैनिक के रैकेज का टूरिज्म करने के लिए। 8 घंटे का ये डीप डाइव था जिसमें 4 घंटे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लगे थे और 4 घंटे मलबा दिखाने के लगे थे। लेकिन खबर जो सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार से, यूएस नेवी को कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन की ऑडियो प्राप्त होती है उनके सोनार डिवाइसेस के ऊपर में और उसके बाद खबर आती है कि 5 बहुत ही एमिनेंट अरबपति जो है वो समंदर की गहराइयों में कहीं खो गए हैं, उनकी पनडुब्बी नहीं मिल पा रही है जो टाइटैनिक टूरिज्म के लिए गई थी। तभी यूएस नेवी को जैसे खबर मिलती है तुरंत कैनेडियन जो रेस्क्यू टीम है उससे बात करती है और कैनेडियन टीम भी इसमें लग जाती है। एक सघन ऑपरेशन चला जाता है, सर्च ऑपरेशन चला जाता है जिसमें आखिरकार जो कैनेडियन टीम है जो कैनेडियन नेवी है उसकी आरओवी को रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल होता है, एक ऐसी छोटी से रोबोटिक डिवाइस जिसे समंदर के अंदर उतारा जाता है और वो जब स्कैन कर रही थी टाइटैनिक के आसपास उसके मलबे के आसपास के इलाके को तब उसे वो जगह दिखाई देती है जहां कुछ ऐसा दिखता है जैसे वहां कुछ फटा है, कुछ इंप्लोड हुआ है और उसी के आसपास मिलता है उसे टेल कोन, टाइटन पनडुब्बी का पिछला हिस्सा जिसमें 5 अरबपति सवार थे। उसके बाद सारी चीज एकदम साफ हो जाती है क्योंकि जो व्यास था जो सर्कमफेरेंस था जहां पर वो इंप्लोड होने वाली जगह थी। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से सतह में हम चलते जमीन पर हम चलते हैं तो लोगों के फुटप्रिंट किए जाते हैं, उसी प्रकार से जो अनछुई जगह है समंदर की तलहटी अनछुई जगह होती है वहां कोई चलता नहीं है लेकिन वहां कोई मार्क बना रहे तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो कुल मिलाकर जो वहां फटने का जो इंप्लोड होने के जो निशान थे वो साफ दिखा रहे थे, जो साइज इंप्लोजन को बिल्कुल पनडुब्बी के साइज से मैच कर रहा था, वहां टुकड़े मिलना शुरू हो गए। पनडुब्बी के जो सही कयास लगाए गए कि अंदर बैठे जो लोग थे उनका बचना उनका मिलना दोनों मुश्किल है। तो जिस प्रकार की लहरें समंदर के ऊपर चलती है और किसी भी चीज को सैकड़ों किलोमीटर दूर देख सकती है, उसी तरीके से समंदर के नीचे काफी दबाव और प्रेशर रहता है और यहाँ जो करंट चलता है यहाँ जो अंदर ही अंदर लहरें चलती हैं वो बड़ी से बड़ी चीज को कईयों किलोमीटर तक आगे पीछे कर सकती है, जैसे शहीद जो मिलना मुश्किल। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक बाप बेटा, एक और अरबपति बाप और उसका बेटा जो अरबपति का नाम है जे ब्लूम और उनके बेटे का नाम है शॉन ब्लूम, इन लोगों को भी अप्रोच किया गया था स्टॉप एंड रश के द्वारा। स्टॉप एंड रश कौन, जो कि ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे जिनका ये बेबी प्रोजेक्ट समझ लीजिए, जो टाइटन पर डुबी थी उसको बैठाकर लोगों को टाइटैनिक का टूरिज्म कराने का, टाइटैनिक के मलबे का टूरिज्म कराने का आइडिया समझ लीजिए इनकी कंपनी का था और उसके सीईओ थे स्टॉप एंड रश जो कि इस पनडुब्बी के अंदर ही बैठे थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुई और इनकी भी जान चल गई। बताया जाता है कि स्टॉकटन रश ने जे ब्लूम और शॉन ब्लूम इन बाप बेटे की जोड़ी को कांटेक्ट किया था कि वो भी हमारे साथ चले इस मिशन में, उन्हें भी टिकट सेल करना चाहते थे स्टॉकटन रश, लेकिन जे ब्लूम ने कहीं ना कहीं इसमें कुछ सस्पिशियस देखा और उसके बाद उनके जो बेटे हैं शॉन ब्लूम उनका कहना है कि मैंने जब इसे देखा इस पनडुब्बी के डिजाइन के बारे में सुना स्टॉकटन रश से तो मुझे डाउट हुआ और उन्हें लगा कि कहीं ये पनडुब्बी जो है ये भार सह पाएगी, अथाह समंदर का इतने गहरे समंदर का इसका साइज देखिए बहुत छोटा है, साथ ही इसका जो मटेरियल था वो कार्बन फाइबर से बना था, कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना था। और खुद स्टॉकटन रश ने, और ऐसे कई सारे वीडियोस भी इंटरनेट अवेलेबल है जहां स्टॉकटन रश कहते हैं सुने जा रहे हैं कि हम रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, हम ऐसे मटेरियल की तलाश में हैं जो ऐसी पनडुब्बी बनाए जो कम बजट में हमें समंदर की सतह के नीचे एकदम नीचे तहटी तक लेकर जाए और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है, ऐसा उनका कहना था। बाद में जे ब्लूम जब उनके इंटरव्यू सामने आया कि जे ब्लूम और शॉन ब्लूम थे ये भी उस पनडुब्बी में सवार होने वाले थे लेकिन 9 टाइम इन्होंने टिकट लेना अपना कैंसिल कर दिया और इन्हीं की जगह पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे 19 साल बेटे थे उनके वो शामिल हुए और उनका वो नहीं रहे। जब खबर उन्होंने पढ़ी जे ब्लूम और शॉन ब्लूम ने कि जिस सीट पर शायद वो दोनों होने वाले थे ये दोनों बाप और बेटे होने वाले थे उनकी जगह कोई और बाप बेटा शहीद हो गया इस पनडुब्बी के जो है एक्सीडेंट में, तब वो सामने आया।